वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी केवीएस एनवीएस के जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें कंटिन्यूस करते हुए चलिए शुरू किया जाता है क्वेश्चन नंबर वन। लेट्स बिगेंस टू, हु ड्राइव द फेमस लाइन टू। देखिए फेमस टेंस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, आइए देखते हैं। Who drives the famous line to be or not to be? That is the question. Friends, ये बहुत ही famous line है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। किंग लियर, रोमियो, हेमलेट एंड मैकबेथ। चलिए बताइए। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, हेमलेट। टू बी आर नॉट टू बी, करूँ या ना करूँ, ये इस फेमस सोलिलॉक्वी है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज वॉर्ड्सवर्थ, क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ईयर वाज वॉर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, पोएट ऑफ लॉरेट, या स्पेलिंग मिस्टेक है, पोएट ऑफ लॉरेट। तो ऑप्शन ए 1814 थी, बी 1815, सी 1798। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन ए है, ए 1843 में क्या हुआ था कि रॉबर्ट सूदे की डेथ के बाद, किसके, रॉबर्ट सूदे के डेथ के बाद 1843 में क्या हुआ था, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ लॉरेट दिया गया था। किसको, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ लॉरेट दिया गया था, जो कि 1815 तक कौन था, डब्ल्यू वर्स बी वर्स वर्स 1850 तक थी। इसके बाद कौन बना था, इसके बाद पोएट की उपाधि टेनिसन को दिया गया था, पोएट ऑफ लॉरेट की। और 1798 में क्या हुआ था, आप जानते ही हैं, फेमस है लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड। तो ऑप्शन इज 1843, इन विच ईयर वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट ऑफ लॉरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ डाई ऑफ, ए ट्यूबरक्यूलोसिस, बी पल्सियर, सी पेनीमोनिया, डी हार्ट अटैक। तो फ्रेंड्स इनका जो वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ था ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्यूलोसिस से हुआ। थोड़ा नॉइस आ रहा है अगल बगल, डिनाय कीजिए फ्रेंड्स। पर चलिए आगे देखते हैं, पर यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक फॉलो एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। द कंटिन्यूस रोजालिन इज हेटेनिया, ए सिस्टर, बी मदर, सी गार्जियन एंड डी रूलर। तो ऑप्शन इज सी गार्जियन, सॉरी गार्जियन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। यू टॉट मी, यू टॉट मी
लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट आन नो हाउ टू कर्स द रेड प्लेग रीड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज। ऑप्शन ए हेमलेट, बी ऑप्शन ए हेमलेट, बी मैकबेथ, सी किंग लियर, डी नॉन ऑफ दीज। आंसर बताइए। यू टाट मी, चलिए देखते हैं। यू टाट मी पहले लैंग्वेज, तुमने मुझे भाषा सिखाई। माई प्रॉफिट ऑन इश इज नाउ हाउ टू कर्ज रेड प्ले राइट फॉर द लर्निंग लैंग्वेज। तुमने मुझे भाषा सिखाई और तुमने मुझे बोलना सिखाया, इसका प्रॉफिट क्या हुआ? इसका प्रॉफिट हुआ कि मुझे पता चल गया कर्ज कैसे किया जाता है, तुम्हें प्लेग हो जाता है, प्लेग हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस लाइन है, इसको नोट डाउन कीजिए। एक्ट वन में है, किसमें? एक्ट वन में, एंड सीन टू में। कौन बोलता है? कैलिबन पास्पोरियस बोलता है, कैली वन टू प्रॉस्पेरियो, कैली वन टू प्रॉस्पेरियो। मिरिंडा भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो बहुत ही फेमस लाइन है, नोट डाउन कीजिएगा। आंसर इज आपका है हो गया नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। माइजरी ए क्वेश्चन अ मैन विद स्ट्रॉन्ग बैड फेलो, बैड फेलो। ऑप्शन ए हेमलेट, बी क्लेडियस, सी ट्रेंकेलो, डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो ऑप्शन सी होगा आपका क्या? ट्रेंकेलो, ट्रेंकेलो। चलिए आप एक्सप्लेन आप एक बार और से अच्छे से इसको देख लीजिए। माइजरी इक्वेशन अ मैन विद स्ट्रॉन्ग बेड फेलो, यानी हम जब कष्ट में होते हैं, क्या फेमस है, टेम्पेस्ट का लाइन है फ्रेंड्स, यानी जब हम कष्ट में होते हैं तो क्या होता है, इससे ज्ञात हो जाता है कि अनजान एवं विचित्र लोगों से, क्या ज्ञात होता है कि अनजान और जो विचित्र लोग होते हैं कैसा बिहेव करते हैं। तो आंसर आप जान ही गए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है? स्लाइड नंबर 4 में आप देखिए, ऑप्शन है ट्रेंकेलो, टेम्पेस्ट की लाइन है फ्रेंड, किसकी? टेम्पेस्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिपीटिशन। ओह आई हैव लॉस्ट माय रिपीटिशन, हैव लॉस्ट द इमोर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ एंड विद रिमेन इज बिस्टल। इसके फ्रेंड्स ऑप्शंस जो हैं ठीक से नहीं है, चलिए आप देख लीजिए, हम बता देते हैं इसको। ये फ्रेंड्स ओथेलो की लाइन है, जैसे कि ऑप्शन ए ही सही है, ओथेलो की। कैसियो कह रहा है इयागो से, कौन कह रहा है? कैसियो से इयागो, कैसियो इयागो से कह रहा है, क्या कह रहा है कि रिपीटिशन। ओ है मई रिपीटिशन, कैसियो तुमने अपना जो दुखड़ा है कैसे बताया कि मैंने अपना जो रिपीटिशन है खो दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ वही भाग बचा है जो जानवर जैसे मेरे
लाइफ का कोई वैल्यू नहीं, जैसे जानवर होते हैं मेरे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता है, वही चीज़ मेरे पास बचा है। ये बार बार कैसियो रिपीट कर रहा है, किससे? इयागो से। तो ऑप्शन इज ओथेलो, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं फ्रेंड बहुत ही अच्छे और आने वाले हैं, निश्चित ही आपको एग्जाम में से देखने को मिलेगा। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी लव्ड मी फॉर द डेंजर हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पीटी देम दिस ओनली इज द विच क्राफ्ट हैव यूज्ड। ए ओथेलो, ऑप्शन ए ओथेलो, बी किंग लियर एंड सी मैकबेथ, डी हैमलेट। तो ऑप्शन इसका फ्रेंड्स कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, ओथेलो। एक्ट फ्रेंड्स, ए एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में है, ओथेलो के एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में है। इसमें सी लव्ड मी फॉर दैट डेंजर, वह मुझसे प्यार करती है उन खतरों के कारण। एंड लव्ड हर दैट सी डिड पीटी देम, उन खतरों के कारण मैंने क्या कह गया उससे गुजारा था, उस जब वहाँ से गुजरा था तो वह जादू है जो मैंने प्रयोग किया। सी ओनली इज द विच क्राफ्ट यूज, मैंने प्रयोग किया। तो ऑप्शन आपको पता ही चल गया, ओथेलो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वीट आर द यूजेज एडवर्सिटी दिज लाइन है बीन स्पोकन बाई ए रोजालिन, बी ड्यूक सीनियर, सी सीलिया, डी द क्लाउन। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स आंसर आपके, जान लीजिए ए बी है ड्यूक सीनियर। सीट आर द यूजेज एडवर्सिटी, एक ड्यूक सीनियर कह रहा है किससे? उस समय स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि बुरे वक्त के जो उपयोग होते हैं बड़े मीठे होते हैं। यानी बुरा वक्त जब आता है ना तो बहुत आदमी इंसान मेहनत करता है और उसके जो फल होते हैं जब मिलते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है इसमें? एज यू लाइक इट से एक्ट वन, सॉरी एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में एक्ट टू सीन फर्स्ट। कौन कह रहा है? ड्यूक सीनियर, ए लाइन ड्यूक सीनियर कह रहा है एज यू लाइक इट में एक्ट टू सीन फर्स्ट में। सीट आर द यूजेज एडवर्सिटी, यानी कि वो व्यक्त के जो उपयोग होते हैं बड़े मीठे होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्ले डज हेमलेट मैन द प्लेयर डू परफॉर्म? ऑप्शन ए द मर्डर ऑफ गुंजैगो, ऑप्शन बी ओडिपस रेक्स, सी बियाल्फ एंड डी नन ऑफ दीज। तो आंसर आप इसके जान लीजिए, आंसर इसका होगा
मर्डर ऑफ बुंजेगो, जी मर्डर ऑफ बुंजेगो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर ट्रेवेरियन इन इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मीनिंग विद द मेडिवल। ए स्पेंसर, बी चासर, सी मिल्टन, डी शेक्सपियर। चलिए जल्दी जल्दी लाइन्स बताइए फ्रेंड्स। जान लीजिए चासर की लाइन है, ऑप्शन इज बी करेक्ट। ए फ्रेंड्स जो लाइन्स है ना मॉडर्न, आप जान लीजिए इसमें मॉडर्न मेडिवल में मिलता है, मॉडर्न मेडिवल, मॉडर्न मेडिवल मिलता है, और ये मिल्टन शेक्सपियर में लाइन नहीं मिलता है, इसमें मिल्टन शेक्सपियर इसमें नहीं मिलता, मॉडर्न मेडिवल में मिलता है। तो ऑप्शन जान लीजिए, ऑप्शन इज बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शेक्सपियर इन करेक्टर डिस्क्राइब स्लीप एज ब्लेम ऑफ हर माइंड ग्रेट नेचर सेकेंड कर्ज। ऑप्शन ए हेमलेट, थोलियो, किंग लियर, मैकबेथ। तो आंसर इज डी, डी इज करेक्ट। विच शेक्सपियरियन करेक्टर डिस्क्राइब क्लब ऑफ, तो आंसर इज मैकबेथ। किसमें मिलता है मैकबेथ मिलता है एक्ट, एक्ट टू सीन टू, सीन टू में मिलता है। चलिए उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमको नीड है फ्रेंड्स आपकी हेल्प की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको ये बता दें ये क्वेश्चन रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसको एक बार जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के देखते हैं। स्कॉलर रिफर ईयर बिटवीन 1585 एंड सिक्स ईयर 1592 एज अ प्रोडक्टिव ईयर, अनप्रोडक्टिव ईयर, लास्ट ईयर, मैरिकुलस ईयर। चलिए आंसर बताइए। तो आंसर इसका सी होगा, क्या होगा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। इसमें क्या है कि फ्रेंड लास्ट ईयर में जो ओशो होता है कई वर्षों तक गायब रहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसको क्या, कोई भी व्यक्ति अगर कई वर्षों तक गायब रहता है तो निश्चित ही किसी ने कुछ सीक्रेट काम कर रहा है। तो उसने क्या किया, जब वो गायब हुआ तो बहुत सी किताबों को पढ़ा, और जब बहुत किताबों को पढ़ा तो जब उसके बाद सामने आया, दुनिया के सामने आया, उसके पास तर्क का भंडार होता, ऐसे ऐसे तर्क जो लोगों को पागल बना देते थे और उसका जवाब नहीं किसी के पास था। तो ये आपका जो है आंसर ही लास्ट ईयर है। स्कॉलर रिफर ईयर बिटवीन, ये जो फ्रेंड्स लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ आपका समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फालतू इधर की उधर की बातें करके वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेजिडेंस, ए इयागो, किंग लियर, मैकबेथ एंड हेमलेट। चलिए बताइए आंसर। तो आंसर इज बी, किंग लियर। इसमें
जो किंग लियर मेंशंस है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये गलत है, इसके जो ऑप्शंस हैं गलत आ गए हैं। इसमें सेलेक्टेड एप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन द गिवन वर्ड, ये जो आंसर है आपका देखिए नीचे इसका ऑप्शन देखिए इग्लो है, ये इग्लो। जस्ट मिनट, इग्लो बी मानसी सी केबिन एंड डी कॉटेज। तो आंसर इसमें क्या होगा, मेंशन बी आंसर होगा। एक्स्ट्रा लाइन में देखिए बी आंसर होगा मेंशन। ये आपका मानसी होगा, यानी कि जो होता है इग्लो जो होता है क्या होता है, बर्फ का घर होता है, और मानसी मेंशन जो होता है क्या होता है, एम्पेरिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड इन वर्ड द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू मी पर्सन एट टाइम, ए बाइगेमी बी होमोगेमी सी पॉलीगेमी डी मोनोगेमी। मोनोगेमी यानी फ्रेंड जो बाइगेमी होता है ये क्या होता है, दो शादियां जो करता है, कौन करता है, दो शादियां जो करता है उसे क्या कहते हैं, बाइगेमी कहते हैं। और होमोगेमी समलैंगिक, यानी कि जो समलैंगिक होते हैं उसे होमोगेमी कहते हैं, जो समलैंगिक में शादी होती है मैरिज होती है जो होमोगेमी कहते हैं। और पोलोगेमी जो दो से अधिक शादियां करता है, पॉलीगेमी से पॉलीगेमी कहते हैं, दो से अधिक शादियां करता है। मोनोगेमी आप जान ही सके, तो आंसर इस आपका जो है डी मोनोगेमी। चलिए नेक्स्ट एंड सेलेक्ट द जस्ट मिनट सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन, वर्ड गिवेन साउंड ऑफ हॉर्सेस। इसमें आपका बताना है जो घोड़े की ध्वनि होती है वो कौन सा ऑप्शन है, ग्रंट स्क्रीच स्पीक एंड निग। तो आंसर आपका क्या होगा, डी निग होगा। तो जो क्या होता है ग्रंट होता है वो साउंड ऑफ पिग होता है, एक तरह से घड़घड़ाता है बहुत जबरदस्त। और जो क्या होता है स्क्रिच होता है वो क्या करता है, धू धू करके जो आवाज़ आती है उसे स्क्रिच कहते हैं। स्क्विक किसे कहते हैं, जो चू चू करके आवाज़ आती है, क्या करके के चू चू करके आवाज़ साउंड आती है उसे स्क्रिच स्क्विक कहते हैं। और नीघ जो होता है वो उसे एक घोड़े की आवाज़ आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे आप बने रहें, इसको लाइक एंड फॉलो शेयर करते जाइए, अब इसको आगे बढ़ाने का भी काम आपकी आप ही का है। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।